कंपनीज आप देखेंगे, एक्सपोर्ट सामान देखेंगे। आज इंडिया ने एक्सपोर्ट अपनी चीजें वहां पर बंद कर दी हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई थी वो भी इंडिया कर रहा था, अडानी कंपनी कर रही थी। तकरीबन 80 तकरीबन 800 मिलियन डॉलर्स, 800 मिलियन डॉलर्स की बिजली के बिल के पैसे अभी बांग्लादेश ने इंडिया को देने हैं। जी जी। तो अगर इंडिया अगर वो इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर देता तो बांग्लादेश पूरा ठप पड़ जाएगा। तो अडानी का बांग्लादेश से बिजली के 80 करोड़ डॉलर पेंडिंग ड्यूज अदा करने की डिमांड। गौतम अडानी ने मुतालबा कर दिया है बांग्लादेश से कि 80 करोड़ डॉलर जो आप हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके वाजिबात अभी रहते हैं, यानी कि बिजली का बिल तुसी जमा नहीं कराया। बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेमेंट को ऐसे समझिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे अबू धाबी के वो भी आए थे, क्या नाम है, क्राउन प्रिंस। तो एक दुनिया में अंडरस्टैंडिंग हो रखी है। अरब भी नहीं चाहते कि कोई तुर्क उनका जो है इस्लाम छीन के उनके ऊपर बैठ जाए। वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान वाले कल को तलवार निकाल लें कि भैया तो जो इस्लाम है वो तो अरबों पे नहीं आया था, मुसलमानों पे आया था और अरब पे जाके कब्जा कर ले। वो ऐसा कुछ नहीं चाहते। तो वो भी अब इंडिया की जो जो जिसे कह लीजिए लीडरशिप है उसको एक्सेप्ट करते हैं। नेशनहुड को वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि अरबिक नेशनहुड इज सुप्रीम ओवर एनी अदर आइडेंटिटी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये जो इसराइल ने बुलाया है ये फिर से एक बार हमारे हजारों साल की जो परंपरा है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है कि सर्वधर्म संभाव, सब बराबर हैं, एकम सत्य बहुधा, सब सत्य है, उसको एक ही सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। और अहम निजा प्रोवेति गणना लघु चेत साम, यानी कि छोट तेरा मेरा करने वाले छोटे, ये जो हजारों वर्ष से हमारे जहनों में डाला गया, हमारे दिमागों में डाला गया, हमारे मस्तिष्क में डाला गया, आज आप उसका ये परिणाम देख रही है कि सारी दुनिया आंख बंद करके भारतीयों पर ट्रस्ट करती है। तो यही है उसको आप, यही मैं समझता हूं। लेकिन आपके ख्याल से इसमें ये बांग्लादेश की तरफ से एक दो धमकियां लगाई गई थी भारत को, जैसे कि मैंने अभी कहा उसकी तरफ अभी हम आते हैं, इससे पहले और भी बहुत कुछ, ये जी शेख हसीना को दे दें और आराम से बैठे वो खामोश रहें और इस तरह की काफी बातें उस तरफ से चलती नहीं। तो ऑब्वियसली क्राइसिस है और बांग्लादेश जो है वो इस वक्त समझता है कि अब तो ठीक है, अब तो हम जो है वो जो हमारा चाहेगा हम करेंगे, नई हुकूमत। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, एग्जैक्टली जब आपकी चादर छोटी हो और आप सोने के लिए लेटे तो कभी आपका सर खुल जाए और कभी आपके पांव खुल जाएं, और आपने 80 करोड़ डॉलर बिजली के देने हो क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो जो कुमकुमे चमा रहे हैं आपके मुल्क में वो इसलिए हैं कि क्योंकि अडानी की कंपनी आपको बिजली देती है, आपका हमसाया मुल्क भारत इंडिया उनकी गवर्नमेंट आप तक बिजली पहुंचाती है और उसकी आप पैसे देते हैं जो कि आपने 80 करोड़ डॉलर जमा कर लिए, इतनी बड़ी रकम। मतलब उन्होंने लेटर लिखा है मोहम्मद यूनस साहब को और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से जो पेंडिंग ड्यूज हैं 80 करोड़ डॉलर वो अदा करने में अपना किरदार अदा करें। मोहम्मद यूनस से उन्होंने कहा है कि प्लीज अब आपकी गवर्नमेंट आई है तो बाकी सब चीजें जो हैं आप देख रहे हैं, आप बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें अपनी हुकूमत के लिए, लेकिन ये एक बड़ा मसला है तो आप काइंडली इस मसले को भी हल करें। खत में चेयरमैन अडानी ग्रुप गौतम अडानी का कहना था कि हम बांग्लादेश के साथ बिजली को प्रोवाइड करने के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं, इसलिए जो कर्ज दहिंदगान हैं हमें उनसे भी हम अदायगी का मुतालबा कर रहे हैं कि जिनके ऊपर भी कर्ज चढ़ गया हम सबसे कह रहे हैं कि भाई ये कर दें पे, हमने अपनी कंपनी चलानी है, हमने हट्टी बंद तो नहीं करनी, दुकान बंद तो नहीं करनी है। कि बिजनेस को इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है जिसमें अब बांग्लादेश भी शामिल हो गया। अच्छा, थ्रेट करने, मेरी बात याद रखें, एक बंदा या एक मुल्क आपको तब तक थ्रेट कर सकता है जब तक आपके अंदर पावर कम है या आपके अंदर पावर जो है ना वो कमी नज़र आ रही है, वो तब थ्रेट करेगा। अच्छा, अगर आपके पास पावर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, वो एक हद तक थ्रेट करेगा छोड़ के, यार नहीं, एक बंदा मिसाल के तौर पे एक बंदा पावरफुल और सामने बैठा है और थोड़ा सा वीक है या उसके बराबर से है, वो अगर थोड़ा सा इसको चेक करेगा, चेक करने के बाद समझ आएगी तो फिर वो उसके साथ उसका टाकरा होगा, अदरवाइज कहेगा नहीं छाड़ दो। अब बात ये है कि अगर इंडिया उनको लेके चल रहा है ना बांग्लादेश में, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट अभी भी कर रहा है, तो अगर बांग्लादेश इंटरनली स्ट्रांग हो जाता है तो इंडिया कैसे उसको करेगा, नंबर एक। और दूसरी बात, अच्छा दूसरे में आपको थोड़ा सा इसको रीजनल लेवल पे बता दूं कि अगर, और दूसरी बात, अगर जो इसके जो हमारे रीजनल प्लेयर्स हैं लाइक चाइना, पाकिस्तान इवन, या सेंट्रल एशियंस हैं या नीचे जो आ जाता है साउथ ईस्ट एशियन है हमारे, आसियान वगैरह, सिंगापुर वगैरह, ये जो खास तौर पे चाइना और पाकिस्तान ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं, अगर ये यहाँ पे इंटरेस्ट अपना शो करवाएं तो इंडिया भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, नंबर एक। और दूसरी बात, बांग्लादेश के हमारे भारत की जो गवर्नमेंट है उसकी कितनी एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से
आज ये हुआ है कि ना सिर्फ ये कि गल्फ कंट्रीज बल्कि इसराइल और कई दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में भी जो है वो इंडियन वर्कर्स की या इंडियंस की जो कि डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है। बिल्कुल मोदी जी, देखिए मैंने तो कहा पहले तो इंडियंस ने ऑलरेडी दुनिया भर में अपने आप को प्रूव कर रखा है। एक कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं उनका देख रहा था, फ्लफी नाम है उनका, कभी होगा तो मैं आपको भेजूंगा। फ्लफी ने एक बार कहा था कि आप किस इंडियन कोई क्राइम कभी नहीं बीत सकते, इतने सॉफ्ट और स्वीट होते हैं, ये दुनिया में क्राइम नहीं कमिट कर सकते। हमारा इमेज ये है, आपका इमेज अगर टेररिज्म का बन गया तो हमारा इमेज बन गया है कि इंडियंस और क्राइम कमिट ही नहीं कर सकते। तो उसने एक स्किट किया था, उस स्किट में हालांकि सर मगर सर ये है कि सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई इंडियन क्राइम ना करे और ये जरूरी नहीं है कि हर पाकिस्तानी या हर मुस्लिम क्राइम करे। ये दो अलग अलग चीजें, आप सबको एक ही तरह से नहीं देख सकते, ये जरूर। मैं आपसे 100% सहमत हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है, मगर मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, रियलिटी की नहीं कर रहा मैं, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा, आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।